नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। अभी पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के ऊपर एक चार्ज लगा था, एक महिला ने चार्ज लगाया था कि उन्होंने उसके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात की थी। एक कमेटी फॉर्म हुई, कमेटी ने क्लीन चिट गोगोई साहब को दे दी। उसके बाद गोगोई साहब अब रिटायर हो गए और ये जो महिला जिन्होंने ये चार्ज लगाया था उनको भी क्लीन चिट दे दी गई। मतलब वो भी साफ। इस केस में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैं आपको इसके विषय में बता दूं कि ये सब क्या हुआ था। महिला का नाम इसलिए नहीं लिया जा सकता है कि हिंदुस्तान का जो विशाखा गाइडलाइंस और बहुत से एक्ट ऐसे हैं जहां पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में आप उन महिला का नाम नहीं ले सकते हैं, इसलिए उनका नाम नहीं दिया जा रहा है। ये 2014 में टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर के रूप में जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात होती है, उसमें इन्होंने ज्वाइन किया सुप्रीम कोर्ट में। ये लाइब्रेरी में अटैच थी, 2014 में ज्वाइन कर लिया। 2016 में ये रंजन गोगोई साहब जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अभी चीफ जस्टिस नहीं बने थे, उनके साथ अटैच हुए। फिर ये 16 से 18 तक उन्हीं के साथ रहे। इस बीच क्या हुआ कि रंजन गोगोई साहब अक्टूबर 2018 में हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए और इन महिला ने 19 अप्रैल 2019 को एक एफिडेविट के माध्यम से 22 जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनको एक पत्र भेजा ये कह के कि मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट रंजन गोगोई साहब ने अक्टूबर में 2 बार किया है। और वो अगर आप चले जाइए और थोड़ा गूगल कर लीजिए तो बीबीसी का जो साइट देखेंगे उसमें 20 अप्रैल को उसके डिटेल्स भी मिल जाएंगे कि उन्होंने कहाँ पकड़ा, कैसे पकड़ा, कमर पकड़ा, क्या क्या किया उन्होंने, उसके थोड़े डिटेल्स मिल जाएंगे, वो मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ। इसके बाद वो कमेटी फॉर्म हुई, लेकिन उस पे आने से पहले मैं थोड़े और डिटेल्स आपको इसके बारे में बता दूं। अप्रैल 2019 में इन्होंने अक्टूबर 2018 का आरोप लगाया कि उनके साथ इस तरह का हुआ था। इसके बाद इनका 3 बार ट्रांसफर हुआ इस बीच, और इस ट्रांसफर को इन्होंने जो लास्ट ट्रांसफर था उसमें इन्होंने भाई ये रेजिस्ट कर दी थी कि मुझे बार बार क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन एक दो घटनाएं ये हुई कि इनका एक जो देवर था उनको और इनको जो सुप्रीम कोर्ट में वो भी काम करता था, इन दोनों लोगों को वहां से निकाल दिया गया। दूसरी घटना ये हुई कि 21 दिसंबर 2018 को इनके पति जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे और इनके दूसरे देवर जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, इनको भी दिल्ली पुलिस से 21 दिसंबर 2018 को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि अब वो जून 2019 में वापस रीइंस्टेट हो गए हैं। इनके ऊपर फिर एक 3 मार्च को एक झज्जर निवासी नवीन कुमार जी ने एक केस FIR लॉज की, ये कहते हुए कि जून 2017 में इनको एक मनसा राम नाम के व्यक्ति ने इनसे मिलवाया था, इन महिला से, और इन्होंने कहा था कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में नौकरी दिलवा दूंगी, और उसके लिए 10 लाख रुपए की इन्होंने डिमांड की थी और 50,000 रुपए का उसमें से मैंने इनको एडवांस दे दिया था मनसा राम के सामने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मनसा राम जिनके सामने इन्होंने एडवांस दिया था नवीन कुमार जी ने, वो मनसा राम जनवरी 2019 में मर चुके थे। तो मतलब एक उन्होंने विटनेस क्रिएट किया और फिर उस विटनेस को जनवरी में खत्म भी हो गए वो। इसके बाद जिस एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था, उन्होंने नवीन कुमार जी को 22 अप्रैल 23 मई 19 जुलाई 6 सितंबर को फिर से समन जारी किए, 2019 के ये सब वो हैं, और इसमें किसी में भी वो उपस्थित नहीं हुए। पुलिस का कहना यह था कि ये जब भी ये सम्मन लेके उनके घर गए वो वहां पे अपने घर पे उपलब्ध नहीं थे। फिर पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट लगा दी और 16 सितंबर 2019 में नवीन कुमार जी उपस्थित हुए कोर्ट में और उन्होंने कहा मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है और ये क्लोजर रिपोर्ट मतलब मैं इसको मान रहा हूं और इस केस को मैं परस्यू नहीं करना चाहता हूं, केस वहीं बंद कर दिया गया। ये बात मैं किसी रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूं क्योंकि बाद में समझना आसान होगा। अब 19 अप्रैल को जब ये इन्होंने एफिडेविट यहां पे दे दिया इस महिला ने, तो 20 अप्रैल जो शनिवार का दिन था 2019 में, शनिवार के दिन जनरली कोर्ट नहीं बैठती है, उस 20 अप्रैल शनिवार को चीफ जस्टिस गोगोई ने उसका कॉग्निजेंस लिया, मतलब उसको देखा, और उन्होंने एक इंक्वायरी पैनल, कोई लोग उसको बेंच बोल रहे हैं, कोई लोग इंक्वायरी पैनल, इंक्वायरी कमेटी, एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी 3 जज की बना दी। वो 3 जज की इंक्वायरी कमेटी बनी, जस्टिस बोबडे जो इस समय करंट CJI हैं, जस्टिस रमन्ना और जस्टिस इंदिरा बैनर्जी। बाद में जस्टिस रमन्ना ने इससे अपने को अलग कर लिया और जस्टिस इंदु मेहरोत्रा उनकी जगह इस कमेटी में आ गई। जब ये इंक्वायरी पैनल इन जज साहब लोगों का बैठा तो 26 और 29 अप्रैल को इस महिला को बुला के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। इन्होंने फिर उससे उनसे ये कहा कि भाई ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है, ये 2 चीज़ों ये मांग रही थी। एक तो ये कह रही थी कि मुझे
मेरा वकील मेरे साथ यहाँ रहे। दूसरा वो ये कह रहे थे कि जो भी मैं स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ उसकी कॉपी मुझे कम से कम दे दीजिए। जो ये इंक्वायरी कमीशन, जो इंक्वायरी पैनल या कमीशन जो भी थे वो इनको नहीं दे रहा था। तो 30 अप्रैल को ये तीसरी बार जब यहाँ गए तो ये अपना रिटर्न स्टेटमेंट लेके गए और उसके बाद इन्होंने कहा क्योंकि आप इन इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनका बार बार ये कहना था कि आप विशाखा गाइडलाइंस वो हैं जो सेक्सुअल हेरेसमेंट के केसेस को देश में कानून एक गाइडलाइंस बनी हुई है कि उसको इन इन तरह से देखा जाएगा, पर यहाँ पर विशाखा गाइडलाइंस को फॉलो करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट इन हाउस प्रोसीडिंग रूल्स जो हैं उनको फॉलो कर रहा था। तो बेसिक जो क्लैश की बात थी वो थी कि इन हाउस प्रोसीडिंग रूल्स जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उसमें सब कुछ हशहश करके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इस उससे होता है। इनका कहना यह था कि चूंकि सेक्सुअल हेरेसमेंट का केस है तो इसलिए मुझे लॉयर भी, मतलब मेरी बात में हो सकता है उतने ठीक से नहीं कह रहा हूँ, आप तीन लोग, और ये बार बार कह रही थी कि तीन लोग सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके सामने शायद मैं उनके जवाब पूरा नहीं दे पा रही थी। और ये भी कह रही थी कि जो उनका टोन और ढंग था सवाल पूछने का वो इंटिमिडेटिंग और थ्रेटनिंग था। इसके बाद 30 अप्रैल के बाद ये इस कमेटी में नहीं गई। 6 मई को इस कमेटी ने अपनी फाइंडिंग दे दी और उन्होंने क्लीन चिट दे दी जस्टिस गोगोई को। यहाँ पे इसके बाद इन्होंने उसकी एक कॉपी मांगी उस रिपोर्ट की, वो कॉपी इनको नहीं दी गई। ये कहा गया कि इसकी एक कॉपी चीफ जस्टिस को दे दी गई है जो इस केस में खुद एक तरह से अभियुक्त, कहना तो ठीक नहीं था लेकिन वही, मतलब उन्हीं को लेके सारी जाँच चल रही थी, तो एक कॉपी उनको भेज दी गई है एज पर रूल और एज पर इन हाउस प्रोसीडिंग रूल्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, और एक कॉपी उनके बाद के जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको दे दी गई है। तो मेरी समझ में बिना जाने में बोल रहा हूँ कि सीनियर मोस्ट जज तो बोबडे ही साहब थे जो नेक्स्ट CJI हो रहे थे, तो इसका मतलब एक कॉपी इनको दे दी गई। तो आपसी में एक दूसरे को कॉपी रख ली गई, कॉपी इनको नहीं प्रोवाइड की गई जो आज तक नहीं प्रोवाइड की गई है। खैर, पब्लिक डोमेन में तो उसको आना ही नहीं था। अब बात शुरू ये होती है कि जस्टिस गोगोई साहब रिटायर हो गए और इस महिला को अभी 21 जनवरी को शायद उनको रीइंस्टेट कर दिया गया। और उनको रीइंस्टेट किया गया तो उनकी जो लीगल टीम है उसमें प्रशांत भूषण साहब उस केस को परस्यू कर रहे थे। उनके सारे जो पुराने, जो भी, मतलब जिस दिन से भी वो टर्मिनेट की गई थी उस दिन के सारे उनके ड्यूज जो हैं वो दे दिए गए, लेकिन उन्होंने ज्वाइन तो टेक्निकली कर लिया लेकिन वो तुरंत मेटर्निटी लीव पर प्रोसीड कर गई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अब वो शायद फिर से ज्वाइन ना करें, वो मेटर्निटी लीव जब पूरी हो जाए तो रिज़ाइन कर दें, या मतलब ये पशोपेश है। दो तीन चीज़ें इससे उभर के आती हैं। पहली चीज यह है कि क्या ये कहीं, क्योंकि दोनों को क्लीन चिट कैसे मिल सकती है, मतलब एक कोई ना कोई तो इसमें गलती में है ही। अगर गोगोई साहब ने कुछ नहीं किया है तो इस महिला को क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए। इस महिला को अगर क्लीन चिट मिल रही है तो गोगोई साहब ने कुछ ना कुछ जरूर किया था। और इसमें बात इसलिए भी थोड़ी सी, मतलब संदेह आता है कि आपको अगर याद हो कि 2018 में 4 जजेस ने मिलकर जस्टिस दीपक मिश्रा के वर्किंग स्टाइल पे क्वेश्चन करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें 4 जज थे, आपको याद दिला दूं, जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस लुकूर, जस्टिस जोसेफ और जस्टिस गोगोई। जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस लुकूर ने इस वाले केस में, जो ये जस्टिस गोगोई वाला जो सेक्स हरेसमेंट का केस है, इसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें प्रोसीजरली फॉलो ठीक से नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है। और अगर ये दो इतने सीनियर जज भी ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं संदेह तो होता ही है। बातें तो कहने वाले बहुत कुछ कह रहे हैं कि उसी के बाद जो हमारे उस समय के CJI साहब थे उन्होंने देश का शायद सबसे महत्वपूर्ण फैसला पिछले 10-20 वर्षों में किया और शायद किसी प्रेशर में किया हो, क्योंकि ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है कि दोनों लोगों को क्लीन चिट आपने कैसे दे दी है या कैसे मिल गई है। ये देना तो गलत वर्ड होगा। यहाँ पे एक बात और है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि टाइम लैप्स हो गया है, अक्टूबर का में अगर सेक्सुअल हेरेसमेंट हुआ तो अप्रैल में कौन कह रहे हैं। इसमें पहली चीज, इनके ऊपर लगातार इसको धमकी दी जा रही थी, इनको तंग किया जा रहा था, इनके हस्बैंड, इनके देवर, इन लोगों की नौकरी गई दिसंबर में। मार्च में इनके ऊपर एक FIR लॉन्च हुई जो बाद में खैर क्लोजर लग गया, इसका मतलब गलत FIR थी। इस महिला को अगर 4-6 महीने लगे हैं तो अगर आपकी याद के लिए सिर्फ बता दूं, भूतपूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री पी चिदम्बरम को एक अभियुक्त इंद्राणी मुखर्जी को 8 साल बाद उनके बयान पे, अभी जेल में 3-4 महीना जेल में रह के आए हैं और केसेस खत्म नहीं हुआ, केस तो चल ही रहा है, वहाँ क्लीन चिट नहीं मिली है। तो मेरे हिसाब से अगर जस्टिस की बात आए तो ये तो ठीक है जब जज साहब लोग कहते हैं कि हम लोग आम आदमी से थोड़ा ऊपर हैं, लेकिन अगर चीफ जस्टिस के ऊपर उंगली उठ रही है तो मुझे तो लगता है कि उसको अपने को
आम आदमी से ज्यादा कसौटी पे कसने को तैयार रहना चाहिए। इसमें जो भी हुआ है वो उसमें संदेह है। दूसरा एक अभी बात मैं क्योंकि जुडिशरी की कर रहा हूँ, इसको भी समझ लें, क्योंकि ये बहुत से जज साहब लोगों का कहना है कि भाई हमारे हम क्या हैं, लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाती है और जो एग्जीक्यूटिव है वो कानून का पालन करती है। हमारा काम तो यह है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के कानून बनाया है और कानून का पालन हो रहा है, उसमें कोई गलती तो नहीं हुई है, तो हमारा तो यही काम है। तो इस समय जो अभी CAA पे जब पूरा देश जल रहा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जब तक ये शांत नहीं होगा तब हम सुनेंगे, ये थोड़ा अजीब सा लगता है। ये अजीब सा इसलिए लगता है कि एक इशू है जिसमें जिसकी वजह से देश में कोई है, उसके फॉर में है अगेंस्ट में है, और आप उसको इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि इसमें बहुत गर्मी है अभी। दूसरा, जब आपने उसको सुना भी तो आपने उसमें 4 हफ्ते जवाब देने का टाइम दे दिया। मतलब 4 हफ्ते बहुत होते हैं भाई, आप उसको 1 हफ्ते 3 दिन 4 दिन, क्योंकि इस समय देश में वो इशू है, आप चाहे उसके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो चाहे वो हो, लेकिन उस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और वो सबसे अच्छा एड्रेस अगर करने की स्थिति में कोई है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। आपके यहाँ पिटिशंस आई हुई हैं, आप उसको डिस्पोज ऑफ जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे हिसाब से एक ये भी कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी अपने रोल को देख के मानना चाहिए कि आम आदमी की आखिरी आशा आप ही हैं, तो उस रोल को बखूबी निभाइए। और ये जो अभी जस्टिस गोगोई वाला हुआ है मामला, इसमें अगर थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी हो जाती, थोड़ा और हो जाता, जो भी रिपोर्ट है उसको पब्लिक कर देते, तो आम आदमी को थोड़ा आपके ऊपर विश्वास और बढ़ जाता। धन्यवाद। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिले।